मानव भारती में फर्जीवाड़ा सामने आने पर अब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखने लगे हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों ने सोलन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी मांगों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अब वे मानव भारती में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उन यहाँ से किसी अन्य सरकारी विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि उनका भविष्य अंधकार में न रहे। मानव भारती में फर्जीवाड़ा सामने आने पर अब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखने लगे हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों ने सोलन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी मांगों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अब वे मानव भारती में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से किसी अन्य सरकारी विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि उनका भविष्य अंधकार में न रहे। विद्यार्थियों ने कहा कि जब वे विश्वविद्यालय में आए थे तो इसे प्रदेश सरकार से मान्यता थी, यूसीजी और बीसीआई सभी जगह से मान्यताएं मिली थी, लेकिन अब फर्जीवाड़े के कारण विश्वविद्यालय की ख्याति शून्य हो चुकी है, जिसकी वजह से वे बेहद हताश हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने इन्हें मान्यता दी थी, वे हमारे भविष्य के लिए भी जिम्मेवार हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से किसी और विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि मानव भारती की डिग्री की अब कोई कीमत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में मानव भारती से डिग्री हासिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर अब उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर इस विश्वविद्यालय में इतना बड़ा फर्जीवाड़े डिग्री का रैकेट चल रहा था तो वह प्रदेश सरकार या अधिकारियों की मदद के बगैर नहीं चल सकता। इसके लिए प्रदेश सरकार भी उतनी ही दोषी है जितने की विश्वविद्यालय। इसके लिए वे अब प्रदेश सरकार का दायित्व मानते हैं कि वे उनके भविष्य को भी देखें और कोई सकारात्मक कदम उठाएं ताकि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो। मैं ये चाहता हूं, जैसे मानव भारती आज सवालों के घेरे में है तो इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिए, बिल्कुल मतलब रेगुलर रहे, क्लासेस लगाई हमने। आगे जाके हम कॉर्पोरेट फील्ड में जब जाएंगे, जॉब करेंगे, तो जैसे मानव भारती यूनिवर्सिटी में इस तरह घोटाले हुए तो हमें जॉब कौन देगा? ऐसा कैसे पता चलेगा कि हम जेन्युइन हैं और वो बच्चे नॉन ट्रेंडिंग है या जो भी है फेक डिग्री ले रहे हैं, तो उसका कैसे पता लगेगा? हम चाहते हैं, हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो भी जेन्युइन बच्चे हैं उनको सरकार अपने अंतर्गत आगे का कोर्स कराए वहीं से, और जल्द से जल्द कराए। सर हमारे 2 से 3 ही मंथ है जिसके बाद हमारे एजुकेशन खत्म हो जाएगी, तो हमें प्लीज़ बस यही है कि हमारे क्लासेस, डिग्री और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी और वेरिफिकेशन कहाँ पे होगी, ये सब चीज़ों की, ये सब वो चीज़ होने के बाद। आपको अभी क्या डर सता रहा है? सर हमें बस यही डर सता रहा है कि हमारा फिर क्या होगा फ्यूचर, इस चीज़ की डिग्री हमारी होगी नहीं, जिस तरह ये मानव भारती के खिलाफ हर जगह बोला जा रहा है तो क्या होगा सर ये हमारा, और हर जगह पेपर्स, न्यूज़ चैनल सब जगह आ रहा है, तो हमें तो कोई जॉब्स देगा ही नहीं इसके बाद, तो प्लीज़ इसके गवर्नमेंट हमें हेल्प करे इस चीज़ के लिए। यूनिवर्सिटी जो है UGC के अंडर कर दें या तो हमें माइग्रेट कर दें यहाँ से, तो ताकि हमारी जो डिग्री है वो वैलिड हो। ये मानव भारती की नहीं चाहिए। अब मानव भारती की हम डिग्री लेंगे तो आप कहीं भी अभी जाएंगे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर बैठेंगे तो पहले ही सवाल होता है कि आपकी डिग्री कहाँ से हुई है। अगर हम डिग्री मानव भारती की बताएंगे तो उसी वक्त वो दरवाजे बोलेंगे चलो पहले गेट आउट, आप पहले बाहर निकलो। और हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमें इस यूनिवर्सिटी से जो हमारा टाइम पीरियड बचा है, क्योंकि सर जूनियर्स भी हैं अभी हमारे और हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें या तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर दिया जाए, माइग्रेट करके वहाँ हम एग्ज़ाम भी देंगे और एग्ज़ाम लिखने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद हमें दूसरी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाए। मैं सिर्फ इतना ही अच्छे, अगर ऐसे ऐसे घोटाले होंगे मानव भारती यूनिवर्सिटी में तो हमारा फ्यूचर तो एक तरह से अनसेफ ही है। बाहर कौन देगा हमें जॉब? हम लोकल है, मैं लोकल हूँ, हम कुछ लड़कियाँ यहाँ की लोकल है, लोकल लोगों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें हिमाचल के बोलेंगे आप तो मानव भारती यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर ऐसा होता है, फेक है डिग्रीज, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी मानव भारती में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब है, हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ फोकस, हमें माइग्रेशन चाहते हैं और डिग्री वैलिड हो, वैलिड डिग्री से मतलब है और किसी चीज से मतलब। भी बच्चा एडमिशन लेता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है, यूनिवर्सिटी किससे अप्रूव्ड है, UGC से अप्रूव्ड है, अगर PC स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, अगर वो बच्चा फार्मेसी में आ रहा है तो PCI से अप्रूव्ड है, अगर वो लॉ में जा रहा है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। हम सब ने ये देख के एडमिशन लिया था, हम लोग काफी दूर से आए यहाँ पे, कोई UP से है, कोई